नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली वर्मा। इस वक्त की बड़ी खबर, हिंदू सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष के घर पर हुए हमले से नाराज तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो लगातार लखनऊ पुलिस कमिश्नर ध्रुवकांत ठाकुर डीके ठाकुर दिन रात लखनऊ पुलिसिंग की व्यवस्था को और भी बेहतर करने के लिए अपने माथहतों को उचित दिशा निर्देश देते हुए दिखाई पड़ते हैं, परंतु कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की उत्तम पुलिसिंग पर अपराधी बट्टा लगाने का काम करते हैं और कई आपराधिक गतिविधियों के साथ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पूर्व लखनऊ के मड़ियाओं थाने के अंतर्गत फैजुल्लागंज में देखने को मिला, जहां पर अपराधियों ने न सिर्फ पूर्व में अपराधियों द्वारा किए गए कृत्यों की शिकायत करना पीड़ित एवं उनके परिवार को भारी पड़ गया। पुरानी रंजिश के चलते बीते 30 अगस्त जन्माष्टमी के दिन हिंदू सेवा समिति के कार्यालय से घर लौट रही हिंदू सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष अविनाश अवस्थी एवं उनके परिवार की पुरानी रंजिश के चलते संजय यादव उर्फ छोटू घोसी कमलेश यादव एवं उनके करीबन आधा दर्जन से अधिक अज्ञात गुर्गों ने गाड़ी रोककर जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत पीड़ित अविनाश अवस्थी द्वारा कमिश्नरेट की मड़ियाओं पुलिस को दी गई। पुलिस प्रशासन से बेखौफ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए शिकायत करने से नाराज अपराधियों ने पीड़ित अविनाश अवस्थी के घर के दरवाजे पर अविनाश जी की घर पर न होने की बात कहने पर अपराधियों ने न सिर्फ घर की महिलाओं के साथ अभद्रता की अपितु अभद्र भाषा शैली का प्रयोग करने लगे एवं जान से मारने की धमकी देते हुए घर एवं घर पर खड़े वाहनों पर अंधाधुंध ईंटों और पत्थरों से जानलेवा हमला कर दिया, जिसकी जानकारी पीड़ित अविनाश अवस्थी को उक्त समय पर फोन पर मिली एवं मौजूदा केशव नगर चौकी इंचार्ज सहित पहुंचे, परंतु अपराधी वहां से भाग निकले एवं पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की बात कही गई, परंतु अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी या उन पर कार्यवाही न होने से नाराज अयोध्या से लखनऊ पहुंचे तपस्वी छावनी के जगतगुरु परमहंस आचार्य ने मौजूदा सरकार से ऐसे आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की मांग की है एवं लखनऊ पुलिस द्वारा आरोपियों पर कार्यवाही न करने के स्थिर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही के लिए ज्ञापन देने की बात कही है। सर, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। अयोध्या तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से मुझे लोग जानते हैं। सर, आज आप लखनऊ आए हुए हैं और एक मामला सामने आया है कि यहाँ पर जो है हिंदू संगठन के एक जुझारू और कर्मठ नेता हैं, उनके ऊपर कोई हमला हुआ है, क्या मामला है पूरा? ये दुखद है कि कुछ अराजक तत्व तो ऐसे हैं कि जो मठ मंदिरों की जो है पावनता को दूषित कर रहे हैं और जो लोग पूजा पाठ करने जाते हैं उनको परेशान कर रहे हैं, और उसी में जिस तरह से आज ये घटना सामने आई है उसका जो है तो यहाँ का जो प्रशासन है इस पर सख्त कार्रवाई करे, और नहीं तो मैं अयोध्या से आया हूँ, अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो इसको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करें। आपके द्वारा एक ऐलान किया गया है कि 2 अक्टूबर को आपके द्वारा सरकार से कुछ मांगे रखी गई हैं, उनके पूरा ना होने पर क्या किया जाएगा आपके द्वारा, क्या मांगे हैं? देखिए, हमने ये घोषणा किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक सेंट्रल गवर्नमेंट भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो अयोध्या सरयू जी में मैं जल समाधि ले लूँगा, और जिसको लेकर के अभी तक हमारे पास में लगभग 500 से ज़्यादा हिंदूवादी संगठनों का समर्थन आ चुका है और कई लाख हिंदू जो है हमसे अभी मिल चुके हैं, और उसको लेकर के 1 अक्टूबर को सनातन धर्म संसद का आयोजन है अयोध्या में, कई संगठन के लोग वहाँ इकट्ठा हो रहे हैं, और हमारा कहना यह है कि जब देश विरोधी नारा लग रहा है, जब जिस तरह से कश्मीर में जो है हिंदुओं के साथ में जो है हिंदुओं की हत्या हुई, गोधरा में हिंदुओं की हत्या हुई, अभी इस साल 2 मई को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद रोहिंग्याओं के द्वारा जिस तरह से वेस्ट बंगाल में लाखों हिंदुओं की हत्या हुई, और जब भी कोई मुसलमानों का त्यौहार होता है तो हजारों जगह से एंटी नेशनल नारा लगते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाए जाते हैं, और ऐसे सैकड़ों गांव हैं जहां मुसलमान ज़्यादा हो गया है वहां से हिंदू जो है पलायन कर रहा है, तो चूंकि मुसलमानों का हिस्सा दे दिया गया है पाकिस्तान और बांग्लादेश और मुस्लिम राष्ट्र भी घोषित हो गया है, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में, अभी तो एक मंदिर के लिए हम लोगों ने 500 वर्ष संघर्ष किया है, आने वाले समय में जिस तरह से मुसलमानों का गजवा हिंद चल रहा है, ये हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान के वजूद को समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए अभी जब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री गृह मंत्री मुख्यमंत्री सब जो है हिंदू होने के बावजूद भी मुसलमान कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो,
तो ये हम जो है सभी हिंदुओं को मार देंगे। तो कदाचित अगर कहीं जिस तरह से इनकी आबादी बढ़ रही है, आज हिंदू जो है तो एक बच्चा दो बच्चा से ज्यादा नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन मुसलमान ऐसा कोई नहीं है जो पांच छह बच्चा से कम पैदा करे। इनका देखा जाता है कि पांच बच्चा, दस बच्चा, पंद्रह बच्चा, अठारह बच्चा, बीस बच्चा, चालीस बच्चा, एक को तो मैंने देखा सत्तर बच्चा था। तो इस तरह से जो मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, आने वाले समय के लिए यह घातक है। और एक कई बार ऐसा मामला आ गया कि मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान धर्म में जो है मूर्ति पूजा हराम है, और इनका मानना है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, और काफिरों की हत्या करना तमाम मुल्ला मौलवी सिखाते हैं। जबकि हम सनातनी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः है, सब सुखी रहें, सबका सम्मान हो, सब मिल के रहें, लेकिन दूसरे जितने भी हैं वो सिर्फ हिंदुओं की हत्या करने के लिए उनकी पढ़ाई है और मदरसों में यही ट्रेनिंग शिक्षा दी जाती है और यही हो रहा है। इसलिए सरकार जो है अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेगी तो कश्मीर की तरह हिंदू मारे जाएंगे, पश्चिम बंगाल की तरह हिंदू मारे जाएंगे, गोधरा की तरह हिंदू जलाए जाएंगे। और मैं चूंकि एक सन्यासी हूँ, एक धर्माचार्य हूँ, तो हम ये नहीं देख सकते हैं। इसलिए अगर सरकार नहीं सुनेगी तो मैं जल समाधि लूंगा। वैसे उम्मीद है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार लोग हमसे मिल रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, देश हित में कदम उठाया जाएगा, क्योंकि भारत के 13 बार जो है बंटवारा हो चुका है। अगर जो है हिंदू राष्ट्र नहीं घोषित हुआ तो मुझे तो लगता है कि फिर जो है भाजपा का जितना भी प्रयास है वो सारा विफल हो जाएगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि करीबन आपने जो ये जल समाधि की बात कही है, करीबन 500 संगठन, हिंदू संगठन जो है आपके समर्थन में आए हुए हैं, तो क्या ये जो आपने सरकार से अनुरोध किया है देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने का, आपने ये किसी संगठन के बैनर के तले जो है इस संकल्प को लिया है या स्वतंत्र रूप से? देखिए, ऐसा है कि लगभग भारत में 14 लाख संगठन हैं जी, और सभी संगठन के लोगों को ये लग रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हमारे साथ में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासंघ भारत, जिसका मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ, पूरा जो है तन मन धन से हमारे सहयोग में है। और वैसे 14 लाख संगठन जो है वो सब धीरे धीरे हमसे मिल रहे हैं, और सबकी एक मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, क्योंकि उनको पता है कि हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये तभी बचेगा जब भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। क्योंकि जहां हिंदू ज्यादा है वहां मुसलमान या ईसाई सम्मान से है, लेकिन जहां मुसलमान ज्यादा हो गया है वहां हिंदुओं का कत्ल हो रहा है। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा, जैसा कि पूरे देश में ये कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार जो है ये हिंदुओं की है, और अधिकांशतर नेता मंत्री और प्रधानमंत्री तक की बात कर ली जाए तो हिंदू ही हैं, मगर ऐसी स्थिति में क्या इस सरकार में ब्राह्मणों के साथ जो है अन्याय हुआ है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश हित में काम कर रही है, और ये जो आरोप लग रहा है ये सिर्फ सियासी लाभ के लिए है। अब एक बात जो कह रहे हैं, ब्राह्मण तो रावण भी था, लेकिन रावण जो है जब गलत करने लगा तो आज तक उसका जो है तो लोग जो है पुतला जलाते हैं। तो यहाँ देखिए, अन्याय करने वाला कोई भी हो, अन्याय के रास्ते में अगर भीष्म पितामह भी गए तो भगवान ने कहा कि इसको अपद करो, क्योंकि यह दुर्योधन के पक्ष में खड़ा हो गया है। तो जो लोग जो है तो मुस्लिम तुष्टिकरण करने वालों के साथ में खड़े होंगे, उनको मैं नहीं समझता हूँ कि वो हिंदू हैं। और जो लोग मुस्लिम तुष्टिकरण के उसमें हैं, मुसलमान का मतलब हम समझते हैं इंटरनेशनल व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान की खा करके हिंदुस्तान को गाली देने का एक जो संगठन गिरोह है उसका नाम मुसलमान और ईसाई है। तो इसलिए जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का उत्पीड़न हो रहा है, यह सिर्फ सियासी लाभ के लिए लोग जो है एक फूट डाल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। आपका जो ये संकल्प है कि देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, तो इसमें क्या खाली देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना ही संकल्प है या अन्य कुछ है? क्योंकि अपने देश की तो एक कहावत बहुत पुरानी चलती चली आई है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं सब भाई भाई। देखिए, ऐसा है, अगर भाई भाई होते तो देश न बढ़ता, अगर भाई भाई होते तो मुसलमान मिल के रहते। जब मुसलमानों ने जो है तो डायरेक्ट एक्शन डे में कई लाख हिंदुओं और सिखों की हत्या करके अपना अलग देश ले लिया, तो हिंदू मुस्लिम कभी भाई नहीं हो सकते। हिंदू हिंदू भाई भाई हो सकते हैं, लेकिन सिख और ईसाई ये किसी के भाई नहीं हो सकते हैं। और आज तक तमाम इस्लामिक संगठन और ईसाई मिशनरियां हिंदुओं का धर्मांतरण जो करा रहे हैं, अगर भाई होते तो क्या जरूरत है धर्मांतरण कराने की? भाई आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, भाई भाई रहो। इसका मतलब है कि ईसाई किसी को भाई नहीं मानता तभी तो सबको ईसाई बनाना चाहता है, मुसलमान किसी को भाई नहीं मानता तभी तो सबको मुसलमान बनाना चाहता है। इसलिए ये तो हिंदू कह सकता है लेकिन दूसरे कोई नहीं कह सकता। अच्छा, इसके साथ मैं आपसे आखिरी सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो लखनऊ में जो है एक हिंदू नेता के ऊपर हमला हुआ है,
इस पर आप सरकार से क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर जो है लखनऊ का जो भी जिला प्रशासन है गंभीरता से इसको जो है देखे, और यहाँ जिस तरह से शिव मंदिर में अराजकता तो जा करके और वहाँ जो है तो शराब पीते हैं और मंदिर की पावनता दूषित करते हैं, पूजा पाठ करने वालों को परेशान करते हैं, और जिस तरह से जो है तो आज एक बच्चे के ऊपर हमला हुआ, यह शर्मनाक है और प्रशासन की इसमें जो है कहीं कहीं से कमजोरी है। और अगर प्रशासन इस पर जो है तो गंभीरता से नहीं जो है इसको लेता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी शिकायत भी करें। और क्या क्या चीज़ें की जाएंगी माननीय मुख्यमंत्री जी से शिकायत करने के सिवा? प्रशासन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी आपके संगठनों द्वारा? देखिए प्रशासन का ये जो है जो भी है, अगर प्रशासन इस पर गंभीरता से नहीं लेता है तो यहाँ भी जो भी DM SP होंगे उनको बर्खास्त कराएंगे जी। धन्यवाद।